आज है 8 अगस्त और अभी बज रहे हैं 10। तो मैंने अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हालांकि मैं उठ गई थी 7 बजे से भी पहले, लेकिन बस पहले चार्वी का लंच पैक करा था, 8 बजे वो गया, उसके बाद कपड़े सूखने डाले, उसके बाद 8:30 या 8:45 तक वो काम निपटाया, उसके बाद नायरा की लाइट ऑन करी, उसको उठाया, 9 o'clock तक उसको भी उठा दिया था, 8:40 तक उठा दिया था, और उसके बाद उसको बनाना खिलाया, बाथ कराया है, और अभी वो रोटी खा रही है, मिस्सी रोटी। तो रोटी नॉर्मल रोटी, कभी नॉर्मल रोटी खाती है नमक अजवाइन की, कभी दाल वाली बना देती हूँ, कभी पनीर की। तो क्योंकि वो खुद ही खाती है तो सब्जी या दाल वो टच नहीं कर सकती ज़्यादा। तो आज चार्विक लेके गया है बीटरूट इडली, मतलब वैसे स्पाइडरमैन इडली बनाई है मैंने, इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी उसमें से देख के मैंने बनाया है। उसमें बीटरूट रात को डाल के रख दिया था, तो वो सूजी का बैटर जो था वो पूरा पिंक हो गया था, और थोड़ा सा जो मिक्सर था उसमें कोको पाउडर डाल के उसको ब्राउन किया, और उससे उसका जो स्पाइडर वेब होता है वो बनाया, वो बना के, और उसकी आईज जो है वो सोफ्ट आमंड से बनाई थी, तो वो काफ़ी खुश था। तो मैंने उसको बोला है कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अलग अलग ट्राई करूँगी। एक मैंने देखा है बटरफ्लाई बनाई हुई थी, मतलब तवे पे, वो भी मैं उसको बना के दूंगी एक दिन। और नॉटी है नारा, चार्विक भैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया चार्विक भैया, स्कूल कहाँ गया चार्विक भैया। तो रात को मैंने दाल बनाई थी येलो वाली, तो जो भी दाल बचती है मैं रात को आटा गूंद लेती हूँ मिस्सी का, ताकि सुबह टाइम नहीं मिलता कई बार, तो फटाफट फिर रोटी बन जाती है, क्योंकि फिर प्याज काटो, ये करो वो करो, टाइम लग जाता है। और वो चार्विक की बीटरूट लिली का मिक्सचर थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वो मैं बना लूँगी, दाल वाला आटे का आटा मैंने रख दिया, चार्विक खा लेगा दिन में, क्योंकि बच्चे दाल वैसे भी कम खाते हैं। डैडी को रोटी खिला दो। अच्छा नायरू, मम्मा को बताओ वेयर इज काओ, वेयर इज काओ, वेरी वेरी गुड, एंड मम्मा को बताओ वेयर इज शीप, शीप 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 कहाँ है, शीप, गुड, वेयर इज डक, गुड, वेयर इज डॉग, डॉग डॉग, बाऊ बाऊ, वेयर इज म्याऊ म्याऊ, गुड, वेयर इज टाइगर, टाई टाई, वेयर इज मंकी, वेयर इज मंकी, वेरी गुड, वेयर इज माउस, वेयर इज पिजन, पिजन पिजन, पिजन, वेयर इज पिजन, सही से बताओ, हाँ जी, वेयर इज कॉकाटू, कॉकाटू, वेरी गुड, वेयर इज टू कैन, वेयर इज पीकॉक, पीकॉक, पिटो, पिटो कहाँ है, पिटो कहाँ है, पिटो, पिटो, पीकॉक, पीकॉक, ये पीकॉक, वेयर इज पैरट, 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 नो पैरट, पैरट, पैरट,
द सीगल, पैरट ये. वेयर इज आउल? आउल. तो इस तरीके से बुक्स से मैं रीडिंग करवाती हूँ, तो काफ़ी सारी उसको पिक्चर्स आती हैं. उससे जो भी हम पूछते हैं तो वो बताती रहती है. तो टीवी बिल्कुल 10 to 15 minutes है इसका पूरा दिन में, तो वो हमें इतना ही रखना चाहिए. 2 साल से कम है बिल्कुल. और बस इस तरीके से इसको खाना खिलाना या कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सब चलता रहता है. अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर नहाना भी है. तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये पोनी धो रही हूँ. तो सॉरी, रोटी जो है वो कॉटन के कपड़े जो पोने होते हैं उसी में लेके जाते हैं. इस टाइप के टॉवल और कुछ ऐसे कॉटन के हैं, तो ये डेली यूज़ होते हैं. तो मतलब वीक में मेरे को एक बार धोने होते हैं, उसमें 8-10 हमने रखे हुए हैं. तो उसी में वो रोटी रैप करके ले जाते हैं, पेपर में या फॉइल में नहीं ले जाते. और दूसरा काम मुझे जो अभी है वो है ये बर्नर. ये बर्नर आपको दिख रहा है कितना साफ़ हो गया है, और ये वाला देखो कितना काला है. तो एक एक करके मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब वॉश करते हैं ना तो इसके जो होल्स होते हैं इनमें पानी भर जाता है, तो फिर गैस यूज़ नहीं कर सकते, तो गैस की तो ज़रूरत पड़ती है हमें. तो इसीलिए मैं एक एक करके धो रही हूँ. एक मैंने कल धोया था, ये मैंने इसमें विनेगर और डिश सोप और सर्फ लेमन सारी चीज़ें डाल के रखा है. मेन इसका विनेगर है यार, और बेकिंग सोडा भी हम थोड़ा ऐड करेंगे. और अभी इसको मैं जब स्क्रब करूँगी तो ये फटाफट साफ हो जाएगा. ये मैंने ओवरनाइट रखा हुआ था, ये देखिए कैसे निकल गया. तो ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, पहले बिल्कुल ब्लैक था. तो इसमें जैसे पानी पानी हो गया ना, तो इसके होल्स सारे बंद हो जाते हैं. तो ये कुछ घंटे लगेंगे इसको सूखने में, उसके बाद ही ये यूज़ कर पाएंगे हम. तो अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी. तो आप इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए कलर में. तो वंस इन अ वाइल जब टाइम मिले तब हमें करते रहना चाहिए. आई नो ये टाइम नहीं मिल पाता किसी को भी, फालतू के काम लगते हैं, बट कभी कभी टाइम मिले तो कर लेना चाहिए, अच्छे लगता है. और ये जो पोने हैं ये मैं स्टील का एक पतीला लेती हूँ और उसमें पानी भर के थोड़ा सा डिश सोप डालती हूँ और पानी को अच्छे से बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है. और ज़्यादा सोप मैं नहीं डालती क्योंकि सोप निकलता नहीं है, सोप जो है वो अच्छे से निकल नहीं पाता. और ये रोटी के कपड़े हैं तो अच्छे से वॉश होना चाहिए. पहले उससे सर्फ डालती थी, बट अगर हम उसको 10 बार भी धोते थे तो भी उसमें सर्फ रहता ही था. तो अब मैं मोस्टली क्या करती हूँ, खाली पानी और उसमें लेमन डाल देती हूँ या इस तरह का कुछ डाल देती हूँ, अच्छे से उबालती हूँ पानी को, सारी गंदगी निकल जाती है. ऐसे मैं 2 बार करती हूँ तो फिर जो नैपकिन्स हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं. अब मेरा नहाना रह गया बस. अब ये जो विनेगर वाला पानी है इसी में मैं अब दूसरा वाला ऐड कर दूँगी. दूसरा वाला जो ये है बर्नर उसको ऐड कर दूँगी और फिर एक रात को कर लेंगे, क्योंकि एक पूरा दिन मतलब 12 घंटे तो थोड़ा सोख होगा तो ही साफ होगा. तो ये मैं बना रही हूँ इडली का बैटर. इसके लिए मैंने लिए है ये बिल्कुल छोटी वाली डिब्बी है, ये लिया मैंने. 1 कप दाल और 1.5 कप राइस, 1/2 कप पोहा और 6-7 दाने मेथी दाने. तो इसको मैं आज भिगो के रखूँगी, फिर रात को पीस के फिर फर्मेंट करूँगी, फिर 4 बजे को इसका बना के दूँगी. काफ़ी हेल्दी होता है ये फर्मेंटेड फूड बच्चों के लिए. तो अब 12:15 हो गए हैं, अब मैं फटाफट नहाने जा रही हूँ क्योंकि फिर 1:30-2 बजे 4 वीक को भी लेने जाना होता है. तो फटाफट नहा के आते हैं. 4 वीक की यूनिफॉर्म मैंने आज सुबह ही प्रेस कर ली थी. जिस टाइम नायरा सोती है मैं उस टाइम कर लेती हूँ, तो वो दिन में एक ही नैप लेती है, तो या तो तब कर लेती हूँ जैसे 12 बजे के आसपास होती है. आज मैंने सुबह ही कर लिया था जब वो सो रही थी, 8:30 तक वो सो रही थी.
तो मैंने उसी टाइम फटाफट इसकी कल की यूनिफॉर्म प्रेस कर ली थी। अभी बज रहे हैं 12:15 और नायरा 12 बजे तक सो गई थी। जब मैं नहाने गई थी तो मैं आई तो वो सोई हुई थी, तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी और साथ में मैं लूँगी एक दो बिस्किट। और अभी जब नायरा सोती है यही टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर पाती हूँ। कभी कभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं टायर्ड होती हूँ, एग्जॉस्टेड होती हूँ, तो मैं नहीं करती। बट अभी आज मैं फ़िलहाल जब नायरा सो रही है तो मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद 1 घंटा करूँगी, फिर 1:15 बजे तक। उसके बाद मैं थोड़ा रूम ठीक करूँगी और चार को लेने जाऊँगी। तो यही था मेरा मॉर्निंग का रूटीन बच्चों के साथ। मतलब कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनका डिफरेंट रहता है, मैं घर पे हूँ तो मेरा डिफरेंट है, तो इसी में मेरा सारा टाइम निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है, फिर नायरा को ले जाना होता है। तो आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करा, नायरा के साथ शेयर करा है। किसी दिन मैं आपको पूरा सिर्फ अपना रूटीन शेयर करूँगी, आज मैंने नायरा के साथ शेयर किया है। किसी दिन मैं सिर्फ अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मॉर्निंग में मैं सबसे पहले क्या लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ, कैसा मेरा रूटीन रहता है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ। अब मैं अपना ब्लॉग ये वाला यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आपके साथ शेयर करना भूल गई, तो जनरली जिनके बच्चे बहुत मतलब नीचे खेलते हैं तो उनके लोअर जो है वो नीज से छोटा फट जाता है। अब जैसे ये है, ये लोअर अपने आप नहीं फटा है, लोअर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नीज से बच्चे कूदते रहते हैं तो ये छेद हो जाता है। इसी तरह से ये ब्लू लोअर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर होल हो गया था, तो इस तरीके का मैंने यहाँ पैच लगवाया है।